शहर के सुभाषगंज में केंद्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विजयपुर गुना के अधिकारी केबी शर्मा एवं उनकी टीम सहित नगरपालिका ने पॉलिथीन थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। इस दौरान उनके द्वारा 2 क्विंटल 74 किलो पॉलिथीन जब्त की है। पॉलिथीन विक्रेताओं पर आगे बेचने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। दरअसल अशोकनगर में बड़े पैमाने पर पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा था, जिससे प्रदूषण बढ़ने लगा था। इसकी शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी अशोकनगर पहुंचे और उन्हें शुरुआत में ही थोक विक्रेताओं की दुकानों में जाकर देखा। वहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में पॉलिथीन मिला, जिन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया है। और उन्होंने बताया कि एक दुकान पर 500 रुपए की चलानी कार्रवाई की गई है और उन दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी आगे से पॉलिथीन बेचता हुआ तो पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो, शहर में छोटे बड़े दुकानदार सामान को बेचने के लिए पॉलिथीन का उपयोग करते हैं। पॉलिथीन बंद होने के बाद भी उपयोग करने से यह कार्रवाई की गई है। क्या नाम है सर आपका? केवी शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर गुना। आज कार्रवाई की है, कितनी पॉलिथीन पकड़ी है और कितने लोगों को चालान बनाए हैं? पब्लिक अवेयरनेस के तहत हमने आज कार्रवाई नहीं की है, इसके पहले भी किए हैं। पर चूंकि सभी लोगों का यह कहना था कि थोक व्यापारियों पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हों, तो आज हमने गंज में अमित सेल्स पे छापामार कार्रवाई नगर पालिका और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों द्वारा की गई और 2 क्विंटल 74 किलो उन पर पॉलिथीन जब्त की गई है। उनको हिदायत दी गई है कि भविष्य में यदि उन पर अगर ये पॉलिथीन जब्त होती है तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको चालान वगैरह भी बनाए गए? 500 रुपये का अभी चालानी कार्रवाई की गई है और जब्ती की गई है, क्योंकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबसे प्रथम जब्ती कार्रवाई है। और यदि आगे भी यदि ऐसा कर अगर सुधार नहीं करते हैं तो उन पर अन्य जुर्माना और अन्य कार्रवाई भी संपादित की जाएंगी।